मित्रों, मैं अजय रमन एसोसिएट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं आज के मैच की। आज का जो मैच है 18 तारीख को आरसीबी और केकेआर अर्थात बेंगलोर और कोलकाता की टीम के बीच में है। दोनों में से मेरी जो फेवरेट हमेशा रही है विराट की टीम रही है, बेंगलोर रही है हमेशा से। अगर आपको ध्यान हो, जब वो महाशय थे आरसीबी में तो उन्होंने कैसी हिटिंग करी थी, तो बड़ा अच्छा आईपीएल में भी इस आपको देखने में भी आनंद आता है, प्रेडिक्शंस देखने में भी आप लोग बहुत आनंद लेते हैं। तो मेरे प्रेडिक्शंस को जरूर देखिए। आपके मन में अगर कोई टीम हारती है जीतती है तो उसका अफसोस मत करिए, वो होता रहता है। सालों हो गए मुझे प्रेडिक्शंस करते हुए, तो मुझे खुद पता रहता है कि किस साल प्रेडिक्शंस अच्छे जाने हैं, किस साल खराब जाने हैं। लेकिन क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बेल बटन प्रेस करा, वार्ता ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। जीवन में स्पोर्ट आएगा जाएगा, लेकिन आपके जीवन के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देने के लिए भी हम लोग बैठे हुए हैं। यही हमारा मेन काम है, मुख्य कार्य है, जीवन का उद्देश्य यही है। एक ज्योतिषी का उद्देश्य यही होता है कि वो लोगों के प्रश्नों का उत्तर देके उनको जीवन की सही दिशा बताए। बात कर रहे हैं मैच की, नंबर मैंने लिया है 73 बैंगलोर के लिए। छठे घर का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो बुध है, वो राहु के उप नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि यहाँ पे इस कुंडली में बुध अपने ही नक्षत्र में है। तो अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति के साधक हैं, ज्योतिष कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि अगर कोई प्लैनेट अपने ही स्टार में बैठा है तो फिर उसका जो सब लॉर्ड है वो उसका स्टार लॉर्ड माना जाता है। और राहु यहाँ पर बैठा हुआ है 11वें घर में। 11वां घर लाभ स्थान होता है, लाभ स्थान से कनेक्टिविटी हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर क्या दिक्कत है। तो फिर ये मैच कौन जीतेगा, बेंगलोर की टीम जीतने जा रही है। लेकिन एस्ट्रोसेज वार्ता को डाउनलोड कर लीजिए। ये मैच तो हर साल आएंगे जाएंगे, प्लेयर्स लोग अपना भविष्य बनाएंगे, लेकिन आपके भविष्य की चिंता आपको करनी है और सही रास्ता दिखाने के लिए हम बैठे हैं। नमस्कार।